अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 चैप्टर 9 और मैथ 123 चैप्टर नंबर 13 रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो आप देख सकते हैं कि रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन दी गई है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले जनरल फॉर्म प्रॉपरली होनी चाहिए, वैसे जनरल फॉर्म प्रॉपरली नहीं है। आप देखिए, वो होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों क्या होते हैं, वन। यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम है कि हमने सबको टू के साथ डिवाइड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है, और माइनस में फाइव डिवाइड बाई टू एक्स हो जाएगा, और प्लस फोर डिवाइड बाई टू वाई, और माइनस सेवन डिवाइड बाई टू इक्वल टू जीरो डिवाइड बाई टू। बोथ साइड पे था, ओके हो गया। टू हमने कटिंग कर दी है सबकी, जहाँ जहाँ पे कटिंग होती है ये टू टू द फोर, बाकी कटिंग नहीं होती। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइड बाय टू एक्स और प्लस टू वाई और माइनस सेवन डिवाइड बाय टू इक्वल टू जीरो। पहला काम हमारा ये हो चुका है, हमने सबको एक्स स्क्वायर और वन जो वाई स्क्वायर है इसको वन बनाना था। दूसरा हमारा काम है कि हमने इनकी अरेंजमेंट करते हुए कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ एक्स ही की वैल्यू जो है माइनस फाइव ओवर टू एक्स आएगी, और वाई स्क्वायर जो है पॉजिटिव वाला इसके साथ इसकी वैल्यू प्लस में टू वाई आ जाएगी, और जो कांस्टेंट हमारा है यहाँ पे सेवन ओवर टू ये इक्वल कर दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर बता दूं कि फिर से मैं वही फॉर्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो वो आपने लिखना है ए स्क्वायर माइनस में है तो टू ए और b आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है, और प्लस ये जो b का इजाफा किया ये हम एंड पे भी करेंगे, और साथ ही अब दूसरा कलर चूज कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो दूसरे की वैल्यूज लिखने वाले हैं। तो प्लस में ये देखिएगा यहाँ पर a आ गया, ये हमेशा y रहना, वैसे अभी नहीं लिखते इसको, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस आ जाएगा यहाँ पे टू ए बी प्लस ये जो बी स्केयर का इजाफा किया इसको भी इक्वल के दूसरी साइड पर हमने सोल्व करना है। दूसरी साइड पे हमारे पास सेवन ओवर टू है, कि अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक तो इजाफा हो जाएगा यहाँ पर ई स्क्वायर का जो एक्स के लिहाज से है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, वो दूसरी वैल्यू है जो वाई के अंदर फॉल करती है। दोनों की वैल्यूज कैसे निकलेगी ये भी आपको बता दूं कि अगर हम बी निकाल रहे हैं एक्स के अंदर से तो आपने यहाँ पर माइनस फाइव ओवर टू का हाफ लेना है, माइनस को छोड़ दें फाइव ओवर टू का हाफ ले लें मजीद, तो ये फाइव ओवर आपका फोर हो जाएगा, ये फोर एक्स के लिए है, ठीक है, ये x लिखा है मैंने। और अगर आप y के लिए देखें तो b की वैल्यू आपकी इस तरह निकलेगी कि आपने ये 2 जो है ना 2y लिखा हुआ है, 2 का आपने हाफ लेना है, तो 2 2 से कट के 1 हो गया, 1 आपके पास आ जाएगा, ये आपने y के लिए यूज करना है। x में a हमेशा आपका x ही रहने वाला है, x के अंदर b की वैल्यू आपकी 5 ओवर 4 हो जाएगी। फिर कटिंग करके देखेंगे 5 ओवर 2 फिर से आ जाएगा, 5 ओवर 4 का जो इजाफा किया है वो ये आपने सब में करना है। फिर आपके पास जो है y ए की वैल्यू वाई ही रहने वाली है दोनों में, जबकि इसकी बी की वैल्यू जो होगी वो वन है, आप देख सकते हैं फाइंड की हुई। कंप्लीट फॉर्मूला कर दें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा एक आपके पास, और दूसरी वैल्यू में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वाई प्लस वन। तो ये आप देख सकते हैं एक्स माइनस एच और प्लस वाई माइनस के का, एक्स माइनस प्लस का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका, और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा सेवन डिवाइड बाई टू है प्लस फाइव फाइव द 25 डिवाइड बाई फोर फोर द 16 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है ना इसका, और वन का स्क्वायर वन ही होगा। ये स्क्वायर जो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये मतलब के छोटी ब्रैकेट लगी हुई है ये सबके ऊपर है तरह से, ये बस एक जेन में रखनी है आपने चीज, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है, वन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर इसका एलसीएम भी लेना और फिर फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे कोई कटिंग हो सकती है इसकी, कटिंग तो फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन एलसीएम 16 ही आएगा। 5 डिवाइड बाई 4, ये 5 में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर आपके पास जो है वो वाई प्लस वन का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर आप एलसीएम लेने वाले हैं जो कि 16 ही आएगा। क्यों आएगा 16 जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे 2 का 16 का और 1 का एलसीएम लिया, 2 वन द 2, 2 एट द 16 और 1 आ गया, 2 वैसे ही आ गया, 2 फोर द 8 वैसे ही आ गया, और अगर आप फिर भी देखें तो 4 से ही कर लें चले, 4 वन द 4, ये 4 द क्या होगा, इसका एलसीएम की वैल्यू 8 ही बनेगी यहाँ, सॉरी बल्कि ये क्या किया यहाँ पे 2, एक मिनट रुकिएगा, ये 1 लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे 1 ही 2 ही है,
टू फोर द एट कह रहा हो तो वन तो लिख सकता ना, फोर टू द एट, एट टू द सिक्सटीन आएगा यहाँ पे। वही मैं कहूँ मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, हालांकि यहाँ पे तो वन लिख दिया था, टू लिखना था। सिक्सटीन हमारा एलसीएम की वैल्यू बन गई। अच्छा अब एलसीएम कैसे लेंगे आप, ये सिक्सटीन का ऊपर रखें, टू के साथ जो डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, टू एट द सिक्सटीन, एट सेवन द फिफ्टी सिक्स, यहाँ पे आ गया 56, प्लस किया 16, 16 से कट जाएगा आप देखिए, और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 25 से तो 25 ही रहेगा, 16 तो कट गया तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 25, प्लस ये आपका होगा 16 ऊपर रखा, नीचे आपका 1 आ गया डिनोमिनेटर का, ऊपर 1 या 16 ही रहेगा। ठीक है जी, एलसीएम का ये बेसिकली मेथड होता है। तो आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं, लेकिन पहले ये आ गया एक्स माइनस फाइव ओवर फोर का होल स्क्वायर और प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू टोटल क्या बनती है, इनको टोटल ऐड करते हैं 56, सॉरी ये क्या हो गया 56 हो गया प्लस 25 और प्लस 16, इन सबको ऐड किया तो 97 आ रहा है, 97 है आपके पास और नीचे 4 का स्क्वायर है, ऐसे ही है। अब आप क्या कर दें कि आप उसका जो है नीचे 4 का स्क्वायर बेसिकली बन रहा है ना, उसका जजर डाल के स्क्वायर कर दें, यानी जजर भी दे दें और स्क्वायर भी दे दें, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी x माइनस फाइव ओवर फोर का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, ये y है, और साथ ही आपका जो हो जाएगा स्क्वायर रूट 97 डिवाइड बाय ये 4 द स्क्वायर होता है ना, ये इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। आंसर देख लेता हूँ, मेरा ख्याल है इसी तरह का ही होगा। अच्छा उसने यहाँ पर 97 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर अच्छा जी नीचे 8 लिखा हुआ है, 8 कैसे आ गया, ये क्वेश्चन 13 ही है ना, ऊपर 41 लिखा हुआ है नीचे 8 लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन के आंसर में गलती हो सकती है, ठीक है ना, तो इसको आपने ठीक कर लेना है। बिल्कुल सही है, मेरा आंसर गलत नहीं है, मैंने बिल्कुल रूल फॉलो करते हुए सोल्व किया है, आपने अपनी बुक का आंसर ठीक कर लेना है, खुद से एक बार करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर बुक में गलत है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।